उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शारदीय नवरात्र के पर्व की शुरुआत हुई है। ऐसे में मंदिरों और देवी पांडालों भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल के भक्तों की भी आस्था जुड़ी हुई है। महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर स्थित मां बनेलिया देवी का ये दरबार भारत के साथ साथ नेपाली नागरिकों से भी भरा पड़ा है। नवरात्र के पहले दिन ही यहां दोनों देशों के भक्तों की भारी भीड़ लगती है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त यहां मां से अपनी अर्जी लगाता है, मां उसकी मुराद जरूर पूरी करती है। नेपाल से दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि वो पूरे परिवार के साथ मां का दर्शन करने आते हैं और मां उनकी हर मुरादें पूरी करती है। वहीं मंदिर के मैनेजर रीखी राम थापा ने बताया कि मंदिर वाली जगह पहले बंद था, इसलिए इसका नाम बनेलिया मंदिर पड़ गया और माँ के दरबार में भारत के साथ साथ नेपाल के बीच श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मेरा नाम सुशांत थापा है, मैं नेपाल से आया हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की माता जागृत माता है। यहाँ पे हम लोग की बहुत आस्था है। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आज भी हर साल की बात है इस साल आज भी हम लोग आए हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन हम लोग आते हैं नेपाल से और यहाँ पे जब दशमी के दिन में यहाँ पे हम लोग पूरा पूजा पाठ हवन करवा के कंजकों को खिला इला के उसके बाद हम लोग अपनी पूजी करते हैं। बहुत मानता मैं बाबू पैसिया की रहने वाली हूँ और माता बनेलिया को जो भी कुछ मांगो वो मिलता है और मैं माता रानी की भक्त हूँ और बनेलिया माता कुछ भी मांगो पूरा होता है। नवरात्र में किस तरह का आप लोग रहता है यहाँ पे, किस तरह आती है नवरात्र में? बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ भीड़ होती है और सारे का मनोकामना पूरा होता है और मेरा घर परिवार सुख शांति है। और मैं बनेलिया माता से, अब मेरा बेटा गायब हुआ था, मैंने मांगा था, मुझे मिला था, बहुत अच्छी बात है। ये भारत नेपाल के बॉर्डर पर नौतनवा एक जगह है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पे, जो भारत नेपाल के सटे हुआ है। आज नवरात्र का पहला दिन है और शैलपुत्री की माता जी का आराधना के बाद में आज मंदिर का ये पट खुला हुआ है और ये नेपाल बॉर्डर के साथ होने से भारत नेपाल का बहुत बड़ा सहयोग है दोनों का। और यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं भारत के अलावा नेपाल से बहुत दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पर पहले इस जगह पर जो मंदिर बना हुआ था, अभी जो आप देख रहे हैं जो मंदिर, यहाँ प्राचीन काल में बहुत बड़ा जंगल था और यहाँ पर जंगल होने के कारण इसको बन देवी के नाम से मशहूर हो गया यहाँ पर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।